माघ पूर्णिमा का मेला सिर्फ एक क्षेत्र ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है और सुदूरवर्ती लोगों से इस माघ मेले का आनंद उठाया जाता है। दूर से लोग विभिन्न स्थानों पर माघ पूर्णिमा मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं झारखंड के साहेबगंज जिले की, जहां राजकीय माघी पूर्णिमा मेले का कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने उद्घाटन किया। राजमहल स्थित सूर्यदेव गंगा घाट से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने विधिवत पूजन अर्चन कर राजकीय माघी पूर्णिमा मेले का संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन हुआ। इस पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं के बीच सम्मिलित होकर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान यह कहा कि राजमहल की इस धरती को देखकर अनंत संभावनाएं उनको दिखती हैं और पर्यटन की असीम संभावनाएं भी हैं। साहेबगंज जिले में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए पूरे क्षेत्र को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का सुझाव देंगे। अपनी बात इस तरीके से कहते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से साहेबगंज संवाददाता सहेंद्र प्रसाद के साथ। रेखा को बदल देता है, तकदीर और तस्वीर को तय करता है। उसमें यदि सबसे ज्यादा संभावना है तो मैं देखता हूं कि वो राजमहल के इस गंगा तट में है, यहां के साहेबगंज जिला में है। विभिन्न चीजों से कभी कभी ध्यान विचलित भी किया जाता है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। कई राज्यों से हमारे सापाहोड़ भाई बंधु गुरु और सभी समुदाय के लोग, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सबके निरंतर सदियों से यहाँ के प्रति आस्था इस मेले की खूबसूरती को बताता है। आध्यात्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के साथ साथ आर्थिक महत्व भी है। आप विश्वास कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कहाँ से हैं? क्या चीज ये पूजा जो होता है, ये माघ पूर्णिमासी का गंगा माँ नाम से पूजा होता है। ये पूजा जो होता है यहाँ राजमहल सिंधी दुल्हन श्री रामदेश्वर नाम से पूजा होता है। ये पूजा जो होता है, ये राजमहल में शिव जी है, शिव मंदिर है, शिव पार्वती नाम से पूजा होता है। ये अभी इतना जो आप लोग कासा की लोटा जो लगाए हैं, इसका क्या महत्व है? ये जो हो गया कि गंगा माँ नाम से हम लोग बरी रखे हैं। कब आए यहाँ पर? हम लोग आए हैं शनिवार को। संजला मुर्मू, संजला बल्हारी से, बल्हारी नहीं पुनिया किस लिए है? माघी पुनिया के लिए गंगा नहाने के, मतलब पूजा पाठ गंगा धाम के लिए आए हैं। आप लोग क्या चीज का पूजा करते हैं यहाँ? पूजा करते हैं भगवान का ही पूजा करते हैं समूचा। सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। और सब जितना हम लोग अपना संथाली रीति रिवाज जो नियम धर्म है, वो नियम धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, कहाँ से है? क्या चीज का पूजा करते आप लोग? हम लोग आए हैं यही राजमहल गंगा मेला में। हम लोग सापाहोड़ है, तो आदमी सब लेकर आए थे। कम से कम अभी मोटा मोटी 200 लगभग आदमी यहीं पर हम लोग के पास रहता था। सब अभी तो चल गया, तो और अगले साल फिर आप जो आएंगे अगले साल सबको गुनगुना जोहार। कहाँ से है? हम लोग से आए हैं, साहेबगंज जिला है। अच्छा, आप लोग पूजा किसका करते हैं यहाँ? पूजा तो किसके, यही राम राम लोखन का कर रहे हैं, राम लोखन का कर रहे हैं। तो आप लोग कब आए थे यहाँ? कब आए थे? कल ही आए थे मोटा मोटी 6 बजे। तो गंगा स्नान करके पूजा ठीक पूजा करने आता है और हम राम लोगों को मनाते हैं। फिर आप गंगा स्नान के जा रहा है, इतने आए हुए थे।
फिर हम लोग को अभी जो पूजा करके आप चला जाते हैं अभी घर। कोसी पूर्णिमा में राजमहल आए हुए हैं पूजा के लिए, जो सफा और हम लोग हैं आदिवासी। क्या चीज़ का पूजा करते हैं हम लोग? कोसी पूर्णिमा आते हैं तो पूजा मतलब